पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश के कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गिरोह के 3 शातिर चोरों को थाना पागबड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की। हाल ही में इस अंतर्राज्य गिरोह ने झारखंड रांची में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रांची में की गई चोरी के माल सहित पागबड़ा थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। पागबड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग 42 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात और लगभग 80,000 रुपए की कीमत की चांदी के जेवरात भी बरामद की है। साथ ही 3 घड़ियां और 35,380 रुपए नकदी और ताला तोड़ने के उपकरण, 2 अवैध तमंचे और चाकू तथा एक होंडा जैज कार बरामद की है। कार से जो होंडा जैज कार है, चेकिंग के दौरान टीम ने एक अच्छा बरामदगी करी है जिसमें काफ़ी माल बरामद हुआ है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और पता ये पूछताछ में पता ये चला है कि ये लोग रात दिन में और रात में घरों में जो खाली होते हैं, ताला लगा होता है, उसको ताले को तोड़ के उसकी उसमें चोरी करते हैं। इनके पास जो औजार मिले हैं ये भी ताला तोड़ने के औजार हैं और इसी के सहायता से ये लोग चोरी करते हैं। इनके खिलाफ किसी के खिलाफ 15, किसी के खिलाफ 12 मुकदमे हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। कहाँ के रहने वाले सर? ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो ये जो अंजाम देते थे घटना को, वो इस साइड देते थे मुरादाबाद और आसपास में, गाजियाबाद में? नहीं नहीं, ये लोग इन्होंने जो घटना करी है वो झारखंड में की है और साउथ में, और मतलब झारखंड में इनका पूरा एरिया है, वहीं करते हैं लोग। और ये लोग पहले रैकी करते हैं, उसके बाद घरों में जाके उसकी चोरी कर लेते हैं ताला तोड़ के। क्या बरामद हुआ सर? इसमें जो कल बरामदगी हुई है उसमें 600 ग्राम सोने के हमें जेवर प्राप्त हुए हैं और 1 किलो चांदी के जेवर हैं और 35,000 से ज़्यादा रुपये मिले हैं। इनके पास 2 तमंचे हैं, 1 चाकू मिला है और आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग अपनी फोटो लगा के फर्जी नाम से इन्होंने आधार कार्ड बना रखे हैं। तो इन आधार कार्डों के जरिए दूसरे जिलों में जाते थे, वहाँ क्या? अपनी पहचान छुपाने के लिए ये लोग इस तरह के आधार कार्ड तैयार करके उसको इस्तेमाल करते थे। सर, ये पागबड़ा पुलिस का गुडवर्क है, कोई इनाम वगैरह कोई घोषित? बिल्कुल, इनके लिए उच्च स्तरीय हम लोग रिकमेंड करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको अच्छा से अच्छा इनाम मिल सके। सर, इनके पास जो इक्विपमेंट बरामद हुए हैं, ये बड़े से बड़े दरवाजा या दीवार किसी को भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए इतने भारी हैं और बिल्कुल अलग टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट हैं इन लोग के, और इससे ये इस तरह से फिट करके आप देख लें, इसको फिट करते हैं इस तरह से और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीका ताला खुल जाएगा? ताला जो है किसी तरह का भी ताला होता है उसको ये तोड़ देते हैं, खोल लेते हैं और फिर उसमें ये बड़ी मात्रा में जो भी बरामदगी होती है उसकी चोरी कर। सर, इनका बैकग्राउंड कुछ पता चल पाया, क्या करते हैं? प्रोफेशनल चोर हैं ये? प्रोफेशनल चोर हैं, प्रोफेशनल चोर हैं, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी है और भी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही। जो अभी तक जानकारी मिली है वो किसी पे 15 मुकदमे हैं, किसी पे 12 मुकदमे हैं और इनकी बाकी भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री पता चल रहे हैं। ये कि मैंने बताया है कि ये इनका जो काम करने का तरीका और स्थान है वो साउथ में रहता है और अभी जो इन्होंने कबूल किया है वो झारखंड की घटनाओं को कबूल किया है। सर, ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कुछ जानकारी? नहीं, अभी ये सब जानकारी कर रहे हैं, ये जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। सर, ये जो सामान बरामद हुआ है ये साउथ से चोरी किया गया था? हाँ, ये रांची से उन्होंने चोरी किया, वहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं, वहाँ पर जब इनसे बातचीत की गई, जब पता चला है तो हम लोगों ने वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया है और हम लोग उसको टाई अप कर रहे हैं। सर, मुरादाबाद से कैसे लिंक हुआ ये? ये केवल हमने बताया कि हम जब चेकिंग में पुलिस लगी हुई थी तो जब संदिग्ध गाड़ी मिली है तो उसको जब चेक किया गया है तो उसमें ये सारी चीज बरामद। क्या ये मुरादाबाद में बेचने आए थे ये सब चीजें? ये हो सकता है, इनका अभी तक तो यही कहना है कि जो हम चोरी करते हैं पहले उसको हम लोग छुपा लेते हैं, जब मामला ठंडा हो जाता है तब हम कोशिश करते हैं कि इसको हम बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पैसा मिलता है फिर वहाँ बेचकर इसको आपस में हिस्सा बांट लेते हैं। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में ये कर रहे हैं चोरी?
अब ये वहाँ पे जाकर छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, ठेला कर लेते हैं, ठेला लगा लेते हैं, उसके वो केवल एक बहाना होता है। उसके बाद ये लोग उनका पर्पज़ यही रहता है कि रैकी करें, और रैकी में जहाँ पर उन्हें ये मिलता है कि ये ताला लगा हुआ है, खाली मकान मकान में कोई नहीं रह रहा है, उसमें ये लोग ये टारगेट करते हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।